नमस्कार दर्शकों, रितम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 7 मार्च 2024, दिन है गुरुवार। विक्रम संवत है 2080, शक संवत है 1945, संवत्सर है पिंगल, सूर्य है उत्तरायण, ऋतु है वसंत और मास है फाल्गुन और पक्ष है कृष्ण। तिथि है द्वादशी, जो मध्य रात्रि के बाद 1:19 AM तक मतलब पूर्ण हो जाएगी। मतलब आज का दिन द्वादशी होगी, शाम भी द्वादशी होगी, मध्य रात्रि तक द्वादशी होगी और मध्य रात्रि के बाद 1:19 AM पर द्वादशी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद त्रयोदशी लगेगी, जो अगले दिन सूर्योदय पर त्रयोदशी होगी तो कल त्रयोदशी हो जाएगी। इस तरह से तिथि का हाल है। राहु काल है 2 PM से लेकर के 3:28 PM तक। तो यह रहा आज का दिन का हाल। आइए देखें सभी राशियों का क्या हाल है। आइए दर्शकों, मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों का जो दिख रहा है वो इतना अच्छा दिख रहा है कि आज के दिन धन की प्राप्ति का योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मतलब आपके कार्य में बहुत अच्छी तरीके से धन की प्राप्ति हो सकती है। धन दो तरह से प्राप्त हो सकता है, या तो आप धन को प्राप्त करके मतलब इनकम के तौर पर प्राप्त कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इन्वेस्टर भी आप पा सकते हैं। मतलब आपके कार्य में अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टर मिल जाए जो आपके काम में पैसे लगा दे, तो ऐसा भी संभव है, क्योंकि आपको बहुत ढेर सारा धन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। यदि आपने कुछ ऐसा कार्य कर रखा है, कुछ अपने कार्य का विस्तार कर रखा है और आपको लग रहा है कि इन्वेस्टर मिल जाए, बहुत अच्छा दिन है। आज आपको बातचीत करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इन्वेस्टर आपको मिल जाए, और मिल भी जाएगा यदि आप प्रयत्न करेंगे तो। इस तरह से आपका दिन शुभ दिख रहा है। आज कोशिश करें कि अपने मन में किसी तरह क्रोध या ईगो लेकर न चले, सरलता से सौम्यता से अगर बातचीत करें और समय का सदुपयोग करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक होगा यदि आप लाल रंग और सफेद रंग का प्रयोग करेंगे, और स्त्रियां चाहे फीमेल्स चाहे तो पिंक कलर का भी प्रयोग कर सकती हैं, वो भी लाभकारी। आए दर्शकों, अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से तालमेल बिठाते हुए आपका जीवन में जो लाभ मिलना है वो मिलेगा। आपके जीवन का लाभकारी दिन है। कोशिश करें कि आज के दिन का सदुपयोग सही तरीके से कर लें। धन की प्राप्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वो कोशिश करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोशिश करें किसी बड़े से डिस्कस कर लें कि किस तरह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, चाहे आपके व्यवसाय में प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से बढ़ सकती है या आपके जॉब में किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। मतलब आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये भी बात कर सकते हैं बॉस से कि मेरी सैलरी बढ़ने के लिए क्या किया सकता है। हो सकता है कि वो नई जॉब के लिए सजेस्ट कर दे, हो सकता है कि आपके कंपनी में ही बताए कि भाई ये काम कर लो या डिपार्टमेंट चेंज कर लो, क्योंकि आपकी क्वालिटी आपके नॉलेज बहुत अच्छा है और आप वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अपग्रेड कर लो या फिर आप शिफ्ट कर लो, डिपार्टमेंट चेंज कर लो, कुछ भी होगा लेकिन आपको लाभ मिलेगा बड़ों से ही। तो इसलिए बड़ों का आदर मान करते हुए अगर उनके साथ डिस्कस करेंगे इन बातों के लिए तो आपको लाभ मिलेगा, आइडियाज आएंगे और आप दिन का सदुपयोग अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा होने का योग बनता है। आज के दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभदायी होगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर यदि आप समझदारी से काम लिए तो आपको लाभ होगा, अगर समझदारी से काम नहीं लिए तो नुकसान हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपका धन की प्राप्ति का योग तो बन रहा है लेकिन बहुत समझदारी से। अगर आपने चिंता परेशानी क्रोध में आकर के आपने बिना प्लानिंग के अगर खर्च कर दिया तो खर्च हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर ठीक तरीके से इन्वेस्ट कर दिया या ठीक तरीके से सदुपयोग कर लिया तो आपको बहुत अच्छा धन प्राप्त हो जाएगा और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति का योग भी बन रहा है और नुकसान का भी योग बन रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने माइंड सेट को करते हैं जिससे आपको लाभ मिले, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि आज के दिन हरा रंग और पीला रंग का प्रयोग अवश्य करें। आए दर्शकों, अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा है जिसमें पर अपने पार्टनर के साथ, अपने जो साझेदार हैं इनके साथ आप मिल करके डिस्कस करें, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस बन रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा मिलजुल करके जिसमें आपको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा और आपका भी आउटपुट आप अकेले करने की कोशिश करेंगे तो संभव है कि ना मिल पाए, लेकिन अगर आप मिल करके करेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों या कुछ अच्छे संबंध हो जहाँ पर आप डील करके, आप मिलजुल करके अगर एग्रीमेंट करना चाहेंगे तो उसके रेफरेंस से काम बन जाएगा और आपका टैलेंट काम आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी हो आपको लाभ मिलने का बन रहा है, लेकिन अपने
साझेदार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और आपको आगे बढ़ने का भी योग बन रहा है। इसलिए जो सर्विस क्लास है उनको भी चाहिए कि अपने मित्रों से, फ्रेंड से बातें करें और उनके साथ मिलजुल कर डिस्कस करें। हो सकता है कि दोनों को कहीं पे अच्छे तरीके से जॉब मिल जाए या उसी कंपनी में इम्प्रूवमेंट आ जाए, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड दोनों मिलकर के किसी कंपनी में दो बंदे की जरूरत हो और आप दोनों ही फिट हो जाए। इस तरह से करके आप समय का सदुपयोग करिए, समझिए आज अभी किस तरह से ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है और उसका फायदा कैसे उठाएं। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और सही तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो आज के दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप आज के दिन लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा और लाभदायी भी रहेगा। आए दर्शकों, को देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके भाग्य का साथ ऐसे तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ गई तो आपको निश्चित तौर पे भाग्य का साथ मिलेगा। मतलब आपको भाग्य मदद करेगा मुसीबत में, ये तकलीफ में, ऐसे नॉर्मल कोर्स में आपको मदद नहीं मिल पाएगी आपके भाग्य की या बड़ों की। तो इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन अपने आप को सावधान रखने की कोशिश करें। सावधान रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या है कि आपका धन का नुकसान भी हो सकता है और किसी लापरवाही से। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आज के दिन बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें या सीनियर्स बॉसेस से डिस्कशन करके ही कुछ करें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि उनसे अगर डिस्कशन, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाती है आपको, तो आपका जो आपकी जो एनर्जी बनेगी वो इतनी अच्छी एनर्जी बनेगी जिससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल जाएगा और सही तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप उनसे डिस्कस नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट चलते हैं, तो नुकसान होने के चांसेस भी बनते हैं। तो दोनों बातें हैं, आप बस थोड़ी सी सावधानी बरत के चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आज के दिन लाल रंग और पीला रंग दोनों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आइए दर्शकों, देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके जीवन में कुछ शांति आएगी। मतलब कुछ आप बेहतर महसूस करोगे, पहले से बेहतर महसूस करेंगे। आप चिंता परेशान तो हो, चिंता तो कर रहे हैं, परेशानी तो आपको हो रही है मानसिक तौर पे, लेकिन आज कुछ शांति महसूस करेंगे। और ये भी दिखेगा कि आपको कुछ लाभ प्राप्ति के रास्ते मिलने लगेंगे, मतलब कुछ धन की प्राप्ति होने का, या आपको कुछ ऐसा धन जो आपको मिलना था मिल जाएगा, या उसके रास्ते खुल जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ है कि आपको कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें आपको धन का लाभ दिखने लगेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सुकून आएगा, बहुत शांति आएगी। और कोशिश करिए कि आज के दिन अपने आप को अलर्ट रखिए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल जरूर कर लीजिए, नहीं तो आपका वो हाथ से मौका निकल गया तो फिर बाद में कोई फायदा नहीं सोचेगा। इस तरह से आप समय का सदुपयोग करें, कोशिश करें कि आज के दिन सफ़ेद रंग और लाल रंग का प्रयोग करें जिससे आप आज के दिन का लाभ मिल पाए। आइए दर्शकों, अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए कुछ समय ऐसा दिख रहा है जिसमें पर बहुत अच्छे तरीके से आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होने का, बढ़िया होने का बनता है। खासतौर पर आपके पार्टनर के साथ, आपके साझेदारों के साथ, उनके साथ आपका बड़ा अच्छा तालमेल बैठेगा। बल्कि ऑफिस में जो भी काम करने वाले लोग, कर्मचारी हैं, वो सबके साथ आपकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग होगी, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे, इस तरीके का योग आता है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी कि उनका कुछ नाम बढ़ने का, ख्याति बढ़ने का, कुछ ऐसा कार्य कर गुजरेंगे जिसकी वजह से उनकी गुडविल बढ़ जाएगी, उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पावरफुली अपने काम को कर पाएंगे, इस तरीके का शुभ योग दिख रहा है। आज के दिन बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि सफ़ेद रंग और लाल रंग अवश्य धारण करें, चाहे किसी भी रूप में। आइए दर्शकों, देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपकी जिंदगी में सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, आपके जिंदगी में धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। मतलब बहुत सारे अच्छे आइडियाज आने का बन रहा है जिसमें आपको लाभ मिलेगा, आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, आपके पार्टनर, आपके साझेदारों, सबके साथ भी अच्छे संबंध होंगे। मतलब एक अच्छे से परिवर्तन आने का बन रहा है। कुछ ग्रहों की चाल ऐसी है जिसकी वजह से आप काफ़ी समय से जो चिंतित परेशान थे उसमें कुछ सुधार आने का बन रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखेंगी और आपको लगेगा कि हाँ, अब बढ़िया हो रहा है, अब मुझे चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, ऐसा लगने लगेगा। और साथ साथ ये भी है कि कुछ ऐसी बात जो है जिसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, बनने लगेगी। तो इसलिए आज के दिन फोकस करिए कौन सी चीज़ में बेनिफिट मिल सकता है, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, कहाँ पे सेविंग्स की जा सकती है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इन चीज़ों में अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा और सचमुच में आपको लाभ मिल पाएगा, ऐसा योग बन जाएगा। इसलिए आज के दिन कोशिश करें कि आज के दिन सफ़ेद रंग और लाल रंग का प्रयोग अवश्य करें, स्त्रियां चाहें तो पिंक कलर भी पहन सकें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन आप चिंता में लग जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो फिर लाभ पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, अपने आपको किसी भी तरह की चिंता परेशानी में इंगेज नहीं करना है, व्यस्त नहीं रखना है। आपको कोशिश करना है कि अपने बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है,
यदि आप नहीं सदुपयोग कर रहे हैं बुद्धि का, तो आप समय व्यर्थ गवा रहे हैं और प्रकृति जो आपको दे रही नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए आज कोशिश करें कि अपनी बारीकी से अच्छे तरीके से अपनी बुद्धि का उपयोग करें और सही तरीके से देखें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको अवेल करने की कोशिश करें। आपके जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे होने का बन रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपके पार्टनर के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके कस्टमर क्लाइंट के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते होने के बन रहे हैं, मतलब सुधार होने का दिख रहा है। इसलिए किसी तरह का भय, किसी तरह की इनसिक्योरिटी न सोचते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छा परिवर्तन होगा और सुखपूर्वक आज का दिन लाभ प्राप्त करते हुए सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। आइए दर्शकों, आप देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करने का योग बन रहा है। ऐसे में आपके जीवन में ऐसा बन रहा है जिसमें आप अगर फैमिली बिजनेस करते हैं तो आपके फैमिली में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, मतलब सभी लोग मिलजुल करके अपना समय देंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग समय दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे, लेकिन अभी ऐसा बन रहा है जिसमें सभी लोग समय दे पाएंगे, अच्छे से कार्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और संयोग भी बड़ा अच्छा बनेगा। आपके जितने पार्टनर, जितने साझेदार हैं, उन सबका सहयोग मिलेगा और अच्छे से धन की प्राप्ति करने का योग बन जाएगा। बहुत ही अच्छे से धन की प्राप्ति करने का योग बन रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल चिंता फिक्र किए बिना अच्छे से उत्साह के साथ अगर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि काला और सफ़ेद रंग अपने वस्त्रों में शामिल करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त होगी जो लाभकारी रहेगी और ऐसा कार्य करवाएगी, ऐसे कार्य के संयोग में मदद करेगी जो हो जाए, ऐसा करवाएगी जो कार्य बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा, मतलब जो लाभकारी कार्य होगा उस कार्य में आपकी ऊर्जा सहयोग करेगी इन रंगों की, सफ़ेद और लाल रंग की। तो इस तरह से आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे लाभ लेते हुए। दर्शकों, अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप कोशिश करेंगे किसी और की मदद की जाए, मतलब आप कमन करेगा किसी और की मदद करते हैं, किसी और को नौकरी दिलाते हैं, किसी और को बेनिफिट मिल जाए, ऐसा किसी और का काम सेटअप कराया जाए, इस तरह के विचार आपके मन में चलेंगे। और बुरी बात भी नहीं है किसी की मदद करना, किसी को काम करने लायक बनाना है, किसी को नौकरी दिलाना या किसी की मदद करना, अच्छी बात है, आप ऐसा कर सकते हैं। और अभी समय ऐसा चल रहा है, खुद के व्यक्तित्व के साथ कुछ ऐसा संयोग दिख रहा है कि आपके आज के दिन आपको धन की प्राप्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, आपका कार्य बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और सही तरीके से दिन का भी सदुपयोग कर पाएंगे। तो अपना कार्य भी ठीक तरीके से करिए, आपके किसी की मदद करना चाहते हैं तो भी अवश्य करें। ध्यान रहे आज के दिन अगर पीला रंग और काला रंग कॉम्बिनेशन या उसमें से कोई कलर आप धारण करेंगे तो इसमें आपको फायदा होगा और आप समय का दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें आप उत्साह से भरे होंगे और बहुत ही उमंग उत्साह के साथ आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे यदि आप चाहें तो। क्या आपके अंदर थोड़ी सी परेशानी चिंता की वजह से आपको चिंता करने की और सोचने की आदत पड़ चुकी है, आपको विश्वास थोड़ा सा खराब सा हो रहा है और आप ठीक तरीके से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको सलाह दिया है कि आप सुबह सुबह आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें, उसके बाद महामंत्र का जाप करें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका मन चिंतित होना बंद करके आप सही तरीके से सोचने की क्षमता में आ जाएगा। उसके बाद आप आज के दिन का सदुपयोग बहुत अच्छे से करके लाभ लेने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करने लगेंगे। तो इस तरह से आप जिंदगी में बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, इस तरीके का योग होने का बनता है। आज के दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप लाल, सफ़ेद और पीला रंग का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो यह था दर्शकों आज के दिन का हाल। उम्मीद करते हैं आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं कल का हाल बताने के लिए। नमस्कार।